राइट हैंड साइड का लिमिट तो मुझे क्वेश्चन दिया गया कि बी का वैल्यू निकाल दो ये लिमिट तो मैं इजिली निकाल सकती हूँ प्रोवाइडेड अल्फाबेटा हमें पता हो अब गिवन दैट क्या इंफॉर्मेशन दी गई कि एक क्यूबिक एंड सेकेंड क्यूबिक ये जो दो क्यूबिक्स दिए गए ना दे हैव टू रूट्स इन कॉमन दोनों में दो रूट कॉमन आ रहे हैं यानी ये तो कुछ क्वेश्चन हो गया पोलिनॉमल में कॉमन रूट्स का राइट right? वो अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन होता है कि हाउ डू यू गेट द कॉमन रूट ऑफ टू पॉलिनामल पॉलिनामल में भी आईटी एडवांस की बात करें तो दे विल गो टिल क्वाड्रेटिक और एट द मोस्ट क्यूबिक उसके ऊपर वो नहीं पूछते नॉर्मली कॉमन रूट्स का क्वेश्चन और क्यूबिक की भी बहुत चांसेस कम होते हैं

सॉरी uh, दो कॉमन रूट है हाउ डू वी द कॉमन रूट कॉमन रूट निकालने के लिए आपको लीडिंग की जो टर्म होती है ना उसे सेम बना के करना होता है कर यानी तो तो एक्स के जो दो रूट हमें कॉमन मिल रहे हैं दे आर रूट ओवर आर माइनस क्यू विद प्लस माइनस साइन यानी ये वो दो रूट्स हैं जिनका नाम अगर मैं गामा रखती हूँ तो दूसरा रूट माइनस गामा है राइट right? सो so, दो रूट्स एडिटिव uh, additive inverse of each अदर है एंड दे आर कॉमन रूट ऑफ टू इक्वेशन तो क्या इसकी हेल्प से हम इक्वेशन के थर्ड रूट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे देखते हैं देखो जो हमारी इक्वेशन है ना फर्स्ट इक्वेशन इट इज एक्स क्यू प्लस टू एक्स पी एक्स प्लस क्यू जिसके रूट्स होंगे एल्फा गा माइनस गामा सम ऑफ द रूट्स की अगर मैं बात करती हूं तो दैट वुड बी एल्फा और थ्योरी ऑफ इक्वेशन से वो आएगा माइनस टू यानी एल्फा पता चल गया इट इज माइनस टू सिमिलरली अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को देखती हूँ इट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्स पी एक्स प्लस आर अब इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं बीटा गामा एंड माइनस गामा गामा एंड माइनस गामा फ्रॉम हियर सम ऑफ़ द रूट्स कितना आया बीटा बट फ्रॉम थ्योरी ऑफ इक्वेशन इट टर्न्स आउट टू बी माइनस वन तो अल्फा माइनस टू है बीटा माइनस वन है एल्फा माइनस टू बीटा माइनस वन यानी अब मेरे पास एल्फा और बीटा दोनों वैल्यूज हैं तो अब मैं जा रही हूं क्वेश्चन पे और एक एक करके दोनों लिमिट्स को इंडिविजुअली इवेलुएट करूंगी ठीक है तो एल्फा बीटा की वैल्यूज लिख देने पर हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा चलिए देखते हैं पहले मैं लिखती हूँ राइट हैंड साइड की लिमिट क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट नहीं है इट विल बी ई रेस्ट दर एक्स लॉग एल्फा प्लस बीटा टू द बेस एक्स प्लस वन है चलो लिखेंगे हम लोग लिमिट इवेल्युएट करने जा रहे हैं क्या लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का मतलब एक्सटेंस टू जीरो माइनस ई पावर एक्स एन टू लॉक का बेस ई e नहीं है तो सोल्व कैसे करेंगे तो ये बनेगा एल एन मॉड ऑफ एल्फा प्लस बीटा यानी एल एन थ्री लिख दिया अपॉन एल एन एक्स प्लस वन अरे इसमें फिर मुझे स्टैंडर्ड लिमिट दी गई ये देखो ये स्टैंडर्ड लिमिट अब अगर ये स्टैंडर्ड लिमिट है तो दिस विल बी पर दिसन थ्री का मतलब कितना आ जाएगा इट विल बी ओनली राइट सो ये हमारे पास राइट हैंड साइड में जो लिमिट लिखी थी ना उसका वैल्यू थ्री आया अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगी लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें क्या दिया गया है एक्सटेंस टू जीरो आई थिंक इट इज देयर बट स्टिल आई विल जस्ट गो एंड चेक द क्वेश्चन तो हमारे पास एक्सटेंस टू जीरो प्लस बी मल्टीप्लाइड अपॉन टेन रूट एक्स ठीक है अपॉन टेन रूट एक्स चलिए देखते हैं क्या लिखा जाए तो ये एल्फा बीटा वैल्यूज हमारे पास है आई राइट इट एज बी एल एन ई पावर एक्स स्क्र एल्फा इंटू बीटा का मतलब हो जाएगा प्लस टू रूट एक्स कमिंग टू डिनोमिनेटर इट इज नथिंग बट टेन ऑफ रूट एक्स फिर मुझे कुछ कुछ स्टैंडर्ड लिमिट जो नजर आ रही हैं उन्हें तो मैं यूज कर ही लेती हूँ जैसे कि इसे उठाया वन लिखा थ्रो इट आउटसाइड लिमिट साइन अब बी लिखा है और ये एक्सप्रेशन भी लिखा है तो क्या करें ये बनेगा लिमिट एक्सटेंस टू जीरो बी टाइम्स एल का डेरेटिव कितना आ रहा है इट विल बी मैं लॉपिटल रूल को यहां पर यूज कर रही हूँ लॉपिटल रूल यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा एल का डेरेटिव वन बायर एक्स स्क्टर प्लस टू रूट एक्स मल्टीप्लाइड बायर एक्स डेरिवेटिव, सो टू बाय टू रूट एक्स मल्टीप्लाइड है ना यह मैं लिमिट न्यूमिनेटर में ब्रेकेट uh, के अंदर लिख लूंगी लिमिट एक्सटेंड टू जीरो बी टाइम्स शिफ्टिंग इट इन साइड द रूट और इन साइड द ब्रेकेट हमारे पास ये सेकेंड टर्म सिर्फ टू में रिड्यूस हो गई डिनोमिनेटर ई पावर प्लस टू रूट एक्स चलिए चेक करते हैं लिमिट क्या बनती है जब टू तो ये zero, बट ये टू ये ई पर जीरो प्लस जीरो यानी क्या मैं कह दूं कि दिस लिमिट इज टू बी लेफ्ट लिखे गए एक्सप्रेशन की लिमिट आ रही है टू बी राइट हैंड साइड लिखे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है थ्री अब टू बी की वैल्यू हमें किसके बराबर दी गई है थ्री के बराबर टू तो बी अगर थ्री है तो बी कितना आ जाएगा थ्री बाय टू तो हमने वैल्यूएट कर लिया बी का वैल्यू तो वैल्यू ऑफ बी टर्न आउट टू बी थ्री बाय टू ये हमारा आंसर है टू द क्वेश्चन यही देखो है लिमिट्स के क्वेश्चन मगर उसी को पूछने के लिए वो किस तरह से ब्यूटीफुली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को क्लब कर सकते हैं तो यहाँ पे जो दो कॉन्सेप्ट क्लब किए गए हैं दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दोनों ईजी है बट ओवरऑल क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो लगता है बहुत लेंदी है आप स्टेप बाय स्टेप यानी क्वेश्चन को क्या करो क्वेश्चन को छोटे चोड़ छोटे टुकड़ों में या फिर कहीं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो एंड देन यू स्टार्ट सोल्विंग इट ठीक है ना और जितना आप प्रैक्टिस करोगे स्टैंडर्ड लिमिट्स को यूज करने का उतने ज्यादा आइडियाज आपके दिमाग में हमेशा रहेंगे ठीक है होप यू एंजॉय टू क्वेश्चन सो डोंट कीप इट टू योर सेल्फ प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड पियर्स And do not forget to hit the like button and subscribe to our channel. See you in the next video. Till then, take care and bye bye.